प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 10 अगस्त 2024 को केरल का दौरा किया। पीएम मोदी सुबह करीब 11:20 पर कन्नूर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया। इसके बाद पीएम मोदी वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भूस्खलन के पीड़ितों से अस्पतालों और राहत शिविरों में जाकर भी मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो वायनाड की पूर्व सांसद हैं, ने पीएम मोदी के दौरे की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस दौरे के बाद वायनाड के भूस्खलन और राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए वायनाड आने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री तबाही की गंभीरता को देखेंगे तो वे इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस सप्ताह की शुरुआत में पीएम मोदी के वायनाड दौरे की घोषणा की थी और केंद्र सरकार से अपेक्षा जताई थी कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। 30 जुलाई को वायनाड के चूरनमाला और मुंडककई में हुए भूस्खलन में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 लोग अभी भी लापता हैं।